की क्लास में हम लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके, मास इनटू वेलोसिटी। फिर हमने लीनियर मोमेंटम के लिए एक टर्म और देखा है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये साइन किसको दिखा रहा है? चेंज को। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। और फिर हमने देख लिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। इसके बाद थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, ये बच्चों हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई जिसको हम यूज करेंगे। ओके ये सारे फॉर्मूले अभी तक की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, और इन पर बेस्ड हमारे पास जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उनको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, ये सब हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आज की क्लास में ले रहे हैं। तो सबसे पहला तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ रहा हूँ बच्चों। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गिवन है। पहला तो है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी कि स्टार्टिंग में वो रेस्ट पर है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आप क्या लेकर चलोगे? 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये वाली बात? ठीक। फिर आगे उसने बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। और हमें क्या गिवन है? डिस्टेंस कितना? 400 मीटर। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद इन 20 सेकंड टाइम भी दे रखा है। कितना? 20 सेकंड। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको निकालना है। और क्या पूछा हुआ है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 मैट्रिक टन। कितना? 7 मैट्रिक टन। ठीक है, मास गिवन है 7 मैट्रिक टन। मैं ये आपको गिवन डेटा हो गया, और आपसे ये दो क्वांटिटी आपसे पूछी हुई है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो कैसे निकालोगे? तो आंसर है इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमसे पूछी गई है एक्सेलरेशन, जिसमें से हमें क्या क्या गिवन है। एक्सेलरेशन के लिए यू गिवन है, एस गिवन है, टी गिवन है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में से ही कुछ यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में यू पता है, एस पता है, टी पता है, और ए निकालना है। तो इन सब का आपस में कौन सा वाला रिलेशन है? पहला वाला तो होगा नहीं, एक्सेलरेशन पहले वाले से निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या नहीं पता है? वी नहीं पता है, तो इसलिए पहले वाले से नहीं निकलेगा। दूसरे वाले से निकल जाएगा तो आंसर है हाँ निकल जाएगा, क्योंकि एस पता है, यू पता है, टी पता है, तो ए निकल जाएगा। थर्ड वाले से एक्सेलरेशन क्यों नहीं निकाल रहे हम? क्योंकि थर्ड वाले में हमें क्या नहीं पता है? वी नहीं पता है, तो इसलिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड वाली इक्वेशन। तो यूज कर रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यू की वैल्यू कितनी है? 0, तो वो लिख लो यहाँ पर 0 इंटू। टाइम की वैल्यू कितनी है? 20, तो यहाँ लिख लो 20 प्लस हाफ। ए हम जानना चाहते हैं, और टी की वैल्यू फिर से कितनी? 20, तो यहाँ पर लिख लो 20 का स्क्वायर। और जबकि एस डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी? 400, वो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहली क्वांटिटी आपको जो नोट कर लेनी चाहिए वो ऑलवेज कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने गिवन नोट कर लिया, फिर आप पता करो कि आपको निकालना क्या क्या है। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप होता है कि जो गिवन है, जो हमें गिवन है और जो निकालना है, उसके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन मतलब फॉर्मूला क्या है। तो
तो वो फॉर्मूला हमने देख लिया कि यू एस टी और ए का जो रिलेशन है वो ये वाला है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। इसमें वैल्यू पुट करके अब ए की वैल्यू निकाल लो, तो देखो 400 इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या बचा, 1/2 इंटू ए, ये क्वांटिटी जीरो होने के बाद 1/2 ए, और 20 का स्क्वायर कितना 400, ये ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से इस 400 से ये 400 कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आ गया, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, एक्सेलरेशन का आंसर। ठीक है बच्चों, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब दूसरी जो चीज़ हमसे पूछी है वो पूछा गया है फोर्स, और हमें पता क्या क्या है, मास पता है और अब हमें एक्सेलरेशन भी पता है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एम इन टू ए, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, F इज इक्वल्स टू एम इन टू ए। मास हमारे पास क्या है, 7 मैट्रिक टन, 1 टन में कितने केजी, तो 1000 केजी, तो यहाँ पर मास कितना लिखोगे, 7000 केजी, तो मास हमारे पास है 7000 केजी। और एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 7 कितना 14000। इतना क्या, तो आंसर है फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो इसलिए इसके पीछे क्या लिखा जाएगा, न्यूटन। इतना न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, 14000 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, जो निकालना है वो लिख लो, फिर इनके आपस में रिलेशन ढूंढो इसमें से जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये वाला मिला, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। फिर आपको मास निकालना है, तो मास सॉरी आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत थी, मास एंड एक्सेलरेशन। मास पहले से गिवन था और एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया था, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो फोर्स का आंसर आ जाएगा। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। जो जो न्यूमेरिकल है सिर्फ उन्हीं को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन। ठीक है, जो जो मुझे गिवन होगा वो मैं लिखता जाऊंगा। सबसे पहले 1 kg दिखाई दिया, kg किसकी यूनिट है, मास की, तो इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, मास। मास गिवन है 1 kg। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 m/s, तो 20 m/s की स्पीड से फेंका गया, तो इनिशियली यानी कि स्टोन की स्पीड कितनी है, 20 m/s, ये लिख दिया हमने इनिशियल वेलोसिटी। फिर इसके बाद क्या हुआ, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम टू रेस्ट, फिर फाइनली जब आपने फेंका तो फेंकने के बाद वो रेस्ट पर आ गया, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 m/s, क्योंकि वो कैसा हो गया, रेस्ट में आ गया। फिर आगे वो उसने बोला ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 m, तो अब हमें डिस्टेंस की बने कितनी, 50 m, ये भी हमने नोट कर लिया। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला मेरा जो काम था वो ये लिखना कि गिवन क्या क्या है। तो एक स्टोन है जिसका मास 1 kg है, उसको 20 m/s की स्पीड से फेंका गया, तो वो पानी पर आइस सरफेस पर जब फेंका गया तो वो वहाँ पर आगे जाकर रुक गया, रेस्ट पर आ गया, इसलिए हमने कहा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और कितनी डिस्टेंस तक वो चला, 50 m तक चला। तो हमें बताना है कि जो सरफेस थी और स्टोन था उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना रहा होगा। तो ये तो हो गई गिवन क्वांटिटी, ये वो हो गया जो हमें निकालना है। ठीक है, अब फोर्स निकालने के लिए आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या एम ए, यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने फोर्स का। अब फोर्स निकालने के लिए एम पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। एम पता है, हाँ पता है पहले से हमें। एक्सेलरेशन हम जानते हैं, नहीं, तो एक्सेलरेशन हमें पहले निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली नहीं बोला है कि एक्सेलरेशन निकालो, लेकिन क्योंकि फोर्स निकालना है तो इसलिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम किसको यूज करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को। अब वी हो, यू हो और एस हो और ए निकालना हो, तो इतनी क्वांटिटी से कौन सी वाली इक्वेशन काम करेगी, क्या वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगेगा, क्या एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगेगा, इनमें से कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। तो आंसर है कि
क्योंकि हमें ए निकालना है तो वी यू और एस पता है, ये तीन क्वांटिटी पता है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है और ऑल्सो एक्सेलरेशन तो हमें निकालना है, यानी दो अननोन क्वांटिटी हो गई, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सेकेंड वाला भी इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमें क्या नहीं पता है, टाइम नहीं पता है एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, तो दो अननोन क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो ना फर्स्ट वाली इक्वेशन काम करेगी ना सेकंड वाली काम करेगी, तो कौन सी वाली काम करेगी, थर्ड वाली। थर्ड वाले के लिए वी यू एस हमें पता है, ए निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो लगाइए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, टू ए एस। ओके, वी की वैल्यू कितनी, जीरो, यू की वैल्यू कितनी, 20 इक्वल्स टू टू ए हम जानना चाहते हैं, और एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 मीटर। ओके, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, अब यहाँ से ए कैलकुलेट कर लो, तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, माइनस 20 का स्क्वायर कितना, 400, और बाकी सब कुछ डिवाइड में लेकर आओ, 2 × 50 ये यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो ये कैंसिल करा दो, 2 × 50 कितना होता, 50 से पहले तो ये कैंसिल कर दो, है ना, कितने टाइम, 8 और फिर ये 4 टाइम, तो माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मतलब एक्सेलरेशन रहा होगा या रिटार्डेशन, तो आंसर है रिटार्डेशन, क्योंकि आंसर कैसा आया, नेगेटिव में, तो यानी कि उसकी जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी उसका जो रेट था वो कितना था, माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आया। अब ये जो एक्सेलरेशन है और ये जो मास है, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करिए तो आपके पास फोर्स का आंसर आ जाएगा। मास कितना रखना है, 1, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, माइनस का 4। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स का आंसर कितना आएगा, माइनस का 4 न्यूटन। कितना आंसर आएगा, माइनस का 4 न्यूटन। अब ये जो माइनस का साइन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो मोशन हो रहा है वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, स्टोन तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन है इसी के लिए ये माइनस का साइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपसे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो फोर्स की वैल्यू कितनी आप बताओगे, 4 न्यूटन। लेकिन अगर डायरेक्शन बताओगे तो आप, क्योंकि आप बताना चाहते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए वहां पर किसका साइन आ रहा है, माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़ रहा हूँ। 80,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। ओके, यहाँ पर एक इंजन बनाते हैं, ये हमने बनाया इंजन, और ये जो इंजन है इसका मास हमें गिवन है 8,000। ओके, ये 8,000 kg का है और इसके साथ जुड़े हुए हैं 5 वैगन, तो वो हम यहाँ पर बना देते हैं 1 और इसके बाद 2, फिर इसके बाद ये बनाया 3rd और ये बनाया 4 और ये 5। ठीक है, एक इंजन और 5 वैगन। अब ईच ऑफ 2,000 kg, इन सब का जो मास है, ईच का मास कितना है, 2,000 kg। ठीक है, ईच का मास 2,000 kg है। ओके, 2,000 kg एंड 2,000 kg, क्लियर। अच्छा, आगे क्या बोला है, इफ द इंजन एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 newton एंड ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 newton। इंजन जो है वो एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रही है ट्रेन, है ना, तो वो फोर्स लगाता है कितना, 40,000 newton का। इंजन जब चलता है तो 40,000 newton से चल रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो यहाँ पर जिस ट्रैक पर ये चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना, 5,000 newton का। ये दो बातें अभी क्वेश्चन में बताई हुई हैं। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, वो फोर्स बताओ जो एक्चुअल में एक्सेलरेट करा रहा है, जो इसकी स्पीड को इंक्रीज करा रहा है ना, जो इसको लेकर जाने वाला फोर्स है, इस ट्रेन को लेकर जाने वाला फोर्स कौन सा है। तो आंसर है कि ये जो ट्रेन चल रही है
ये तो 40,000, जब ये जो इसका इंजन है ये तो 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन उसके फोर्स को कितना कम कर दे रहा है फ्रिक्शन फोर्स, 5,000 न्यूटन। तो इधर से वो 40,000 लगाता है, इधर से 5,000 कम हो जाता है, तो नेट एक्चुअल में जो फोर्स काम कर रहा होगा इस ट्रेन को चलाने के लिए वो कितना हुआ? तो आंसर है 40,000 में से 5,000 क्या कर दो, माइनस करा दो। तो 40,000 में से माइनस करा दो क्या, 5,000। तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 35,000 न्यूटन। यानी कि एक्चुअल में इतना नेट फोर्स होगा जो इस ट्रेन को एक्सेलरेट करा रहा है, 40 नहीं करा रहा है। 40 क्यों नहीं करा पा रहा है, क्योंकि 40 के अगेंस्ट 5,000 काम कर रहा है, 40,000 के अगेंस्ट 5,000 काम कर देता है। तो एक्चुअल में जो वर्क कर पा रहा है फोर्स, वो कौन सा वाला कितना फोर्स है जो एक्चुअल में वर्क कर पा रहा है? तो आंसर है 35,000 न्यूटन। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकेंड पार्ट पढ़ रहा हूं, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ये ट्रेन कितना एक्सेलरेशन दे रही है हमें ये बताना है। तो सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का एक्सेलरेशन बताना है। अब आप जानते हो बच्चों कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, है ना, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू कभी निकालनी हो तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता होगा, तो आंसर है फोर्स अपॉन मास के। ये मास कहाँ लेकर आ गया, अपॉन में, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बना, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब एक्सेलरेशन, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो ट्रेन है उस पर वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है ये हमें पता होना चाहिए, वो हमें पता है, ठीक है। और मास कितना है ट्रेन का वो हम निकाल लेंगे टोटल, है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, ये हमने निकाल लिया ट्रेन कितना फोर्स एक्चुअल में लगा पा रही है, 35,000 न्यूटन, इतना अपॉन मास। ट्रेन का मास बताइए, टोटल मास कितना होगा, तो आंसर है इंजन जो है वो 8,000 kg का है, और ऐसे 5 वैगन है वहाँ पर 2,000 2,000 2,000 kg के, तो इन सबको ऐड करा लो, तो 2,000 × 5, 10,000 तो ये हो गया मास, इतना मास हमारे पास कितना हो गया, 10,000 kg, 10,000 तो ये हो गया और 8,000 ये हो गया, टोटल मास ट्रेन का कितना हो गया, इंजन और वैगन को मिलाकर ट्रेन का मास आ जाएगा, तो ट्रेन का मास कितना हो गया, 10 + 8 कितना, 18,000, कितना हो गया बच्चों, 18,000। यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 35,000 को 18,000 से डिवाइड कराइए तो ये आपका आंसर बन जाएगा कितना, 1.94 m/s², ठीक है, इतना एक्सेलरेशन यानी कि ट्रेन कर रही है, बिल्कुल आसान है ये। ये बात आ गई समझ में, कैसे निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, F = ma, क्यों, यही क्यों यूज किया, क्योंकि एक तो मास हमें पता था, ठीक है, और फोर्स ये भी हमें पता था कि ट्रेन कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है, तो ये कितना था, 35, और मास हमने ऐड करा लिया सबको, तो पूरा ट्रेन का मास निकल कर आ गया, इंजन और वैगन का मास ऐड कर लिया, तो टोटल मास कितना हो गया ट्रेन का, 18,000, इससे डिवाइड करके एक्सेलरेशन आ गया, तो ये ट्रेन इतना एक्सेलरेशन कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 on 2। ओके, ये 1 वाला जो वैगन है ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, 2 वाले पर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा जब इसको खींच रहा होगा, तो आंसर है कि ये इसको खींचना पड़ेगा, सिर्फ इसी को नहीं खींचना पड़ेगा, इसको इसको भी खींचना पड़ेगा, थर्ड नंबर वाले को, फोर्थ नंबर वाले को, फाइव नंबर वाले को। अगर ये वाला वैगन इसको खींचेगा, फोर्स लगाएगा, तो सिर्फ इस पर नहीं लगाना पड़ेगा, इसको इस पर भी लगाना पड़ेगा, इस पर भी और इस पर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इस पर फोर्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स ऑन किस पर पूछा हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं, फोर्स ऑफ वैगन 1 on 2 ऐसे लिखना है, फोर्स ऑफ वैगन 1 on 2, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने एक ही पढ़ा है अभी तक, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप ये बताइए कि ये जो वैगन 1 है ये कितने मास को खींच रहा है, तो आंसर है सिर्फ इतने को नहीं, इनको भी खींच रहा है,
तो यानी कि जब ये वैगन वन की बात करते हैं तो ये वैगन वन इतने मास को खींचेगा, तो ये इसको छोड़ दो, बाकी का ये वाला मास कितना हो गया, 2 2 2 कितना 8000 kg, तो मास यहाँ पर लिख लो कितना 8000 kg। और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है इस ट्रेन में, वो हमने निकाल लिया था कितना 1.94। ये ठीक है, इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये बनेगा 15520, कितना बन जाएगा 15520 इतना न्यूटन, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया कि मास 8000 क्यों लिया, क्योंकि वन को अगर खींचना है तो जब वो इसको खींचेगा तो ऑल्सो ये भी खींच कर आ रहे होंगे, तो इसका मतलब इसे टोटल कितना मास खींचना पड़ेगा 8000 kg, वो हमने यहाँ लिख लिया। और एक्सेलरेशन एक्चुअल में कितना चल रहा है ट्रेन में 1.94, वो मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आंसर बन जाएगा। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। सबसे पहली चीज आपको क्या गिवन है, मास कितना 1500 kg। ठीक है, फिर इसके बाद व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 m/s2। क्या गिवन है एक्सेलरेशन कितना, माइनस का 1.7 m/s2। ये आपको किसकी वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। और क्या जानना चाहते हैं, फोर्स। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन कि एक व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg और वो स्टॉप हो जाता है ना, तो उस पर कितना फोर्स लगाया जाए, यानी जो सरफेस है वो उस पर कितना फोर्स लगाए कि वो स्टॉप हो जाए, कितने एक्सेलरेशन से, -1.7 m/s2 से। तो ये तो हो गई आपकी गिवन क्वांटिटी, मास और एक्सेलरेशन, और आपको निकालना क्या है, फोर्स। तो जब आप ये दो चीजें लिख लेते हो न्यूमेरिकल करने के लिए कि गिवन क्या है और निकालना क्या है, फिर थर्ड स्टेप होता है कि इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। तो इनका रिलेशन जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, मास की वैल्यू आप लिखो कितनी है 1500, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.7। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराओ कितना बनेगा, ये बन जाएगा -2550, माइनस का 2550 है ना, माइनस आगे आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लिया, ये आंसर बन गया इतना क्या, न्यूटन, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स, तो फोर्स का ये आंसर बन जाएगा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए बिल्कुल आसान है, गिवन लिखो, जो निकालना है वो लिखो, फिर उनका रिलेशन लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर सामने, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी देख ही लेते हैं, छोटा सा एक आसान वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है तो उसके मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो p इज इक्वल्स टू एम वी, ये उसका आंसर होना चाहिए। तो जो d में जो d पार्ट दे रखा है वो करेक्ट है, d इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे। इसके बाद बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर, आसान आसान से क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 N, एक फोर्स लगाया जा रहा है कितना 200 N का, एक फोर्स किस पर लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है एक कैबिनेट है, वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एग्जर्टेड ऑन द कैबिनेट। ठीक है, ये हमें बताना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर लग रहा होगा। तो ओके, तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, एक कैबिनेट है, उस कैबिनेट पर इतना फोर्स लग रहा है 200 N, तो वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि व्हाट इज द
फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एग्जर्टेड ऑन द कैबिनेट, तो कैबिनेट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, क्या वो मोशन में है, ये आप देख लो। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो देखो 200 न्यूटन इधर से आप कितना फोर्स लगाओगे सच दैट कि ये मोशन में ना आए, रेस्ट में रहे, पहले ये सोचो आप। तो देखो अगर इधर से 200 न्यूटन लगाते हो तो अगर आप इधर से 100 न्यूटन लगाओगे तो क्या होगा, ये बॉडी चलने लग जाएगी, ये तो चलेगी क्योंकि इधर से कम फोर्स आ रहा है, इधर से ज़्यादा आ रहा है, तो ये 100 की स्पीड से 100 फोर्स से ये चलना लग जाएगी। लेकिन अगर आप इधर से लगाओगे कितना 200 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगाते हो तो उस केस में ये बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, है ना। लेकिन अगर मान लो आप इस पर 200 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी फिर से क्या करने लग जाएगी, मोशन में आने लग जाएगी। तो हमें ये बताना है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एग्जर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो देखो आपको पता है कि वुडन कैबिनेट क्या कर रही है, मूव कर रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जो वहां पर जो फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है, जीरो। फ्रिक्शन फोर्स जीरो क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी कैसी है, कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो इस बात का मतलब क्या होता है बताओ, कि एक्सेलरेशन उस जगह पर क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना पुट कर रहे होगे आप, जीरो। तो फ्रिक्शनल फोर्स ये कितना बन रहा होगा हमारे पास, जीरो। कितना बन जाएगा इसका आंसर, जीरो बन जाएगा। तो अगर बॉडी ये वुडन कैबिनेट अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लग रहा है, जीरो, अगर वो कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। फिर से अगर वुडन कैबिनेट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उस टाइम पर इसका मतलब उस पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। और वैल्यू जीरो हमने कैसे निकाली, एक बार फिर से समझ लो। हमने कहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन हमने कहा जीरो होगा। क्यों एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू अपॉन टी, ये आपने पढ़ा है। अब हमने कहा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब जितनी इनिशियल वेलोसिटी है उतनी फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। जिससे वो चला, जिस वेलोसिटी से वो चला, अभी वो उसी वेलोसिटी से चल रहा है। तो यू की जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के ही इक्वल है, इसका मतलब अपॉन में क्या चल रहा है, टी। अब ये माइनस कराओ तो ये आंसर कितना आएगा, जीरो। जीरो अपॉन टी कितना, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, वेलोसिटी में चेंज कब नहीं आएगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी, एक जैसी वेलोसिटी से चल रही है। एक जैसी वेलोसिटी का मतलब हो गया कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया का मतलब ये हो गया कि यू और वी आपस में कैसे हैं, इक्वल। यानी जिस वेलोसिटी से वो चला इनिशियल और जो फाइनल है वो सेम ही है। तो इसका मतलब वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू, या हम कहें यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी, वो एक ही बातें होंगी। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है इस बात का मतलब उस जगह पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आप कैलकुलेट कैसे करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन से, ठीक है। किससे कैलकुलेट करोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन से। बट क्योंकि एक्सेलरेशन वहां पर जीरो हो गया है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का आंसर कितना आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। तो वहां पर जीरो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। बात क्वेश्चन नंबर 14। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास गिवन है कितना, 10 ग्राम, ओके। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है कितनी, फिर से कितनी गिवन है, 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बुलेट 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ओके। क्या हुआ फिर आगे, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने पर क्या होगा, जैसे वो स्ट्राइक करेगा तो बुलेट रेस्ट पर आ जाएगी,
तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड कम टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, और कितने टाइम में वो रेस्ट पर आई, 0.03 सेकेंड में वो रेस्ट पर आ गई, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, एक तो आपको निकालना है कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्लॉक के अंदर, और दूसरा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये दो क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो ये तो हो गया आपका गिवन वाला पार्ट कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, इतनी स्पीड से वो जाती है और एक वुडन ब्लॉक पर जाकर टकराती है, टकराने पर वो रेस्ट पे आ जाती है, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ले ली हमने, और कितना टाइम लेती है रेस्ट पे आने में, 0.03 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें निकालना है कि ब्लॉक के अंदर उसने कितना पेनिट्रेट किया हो, यानी डिस्टेंस कितनी चली होगी, और फोर्स ए की जरूरत पड़ेगी। तो वो ए पहले आप कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, वी की वैल्यू कितनी है 0, यू की वैल्यू कितनी है 150, और टाइम की वैल्यू 0.03 सेकेंड, ये आपने सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो इसको आप सॉल्व कर लो और यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका माइनस का, माइनस करा लो, ये माइनस तो रहेगा ही है, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ गया होगा, और फिर 3 से इसको कैंसिल कर दोगे 5 टाइम, ठीक है ना, तो 5 और 1, 2, 3 इतना 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ओके। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब आपके पास ऑप्शन है कि आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगा सकते हो, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहाँ से भी आप s निकाल सकते हो। तो दोनों ही केस में क्योंकि आपको एक्सेलरेशन की जरूरत थी, तो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया गया, फिर ये आप फॉर्मूला लगा दोगे। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 150, और 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस का 5000, और इंटू में क्या चल रहा है s, यहाँ से हम s कैलकुलेट कर लेंगे। तो माइनस ऐसे ही ठीक है, ये तो 0 हो गया, माइनस ऐसे ही ठीक है, ये बन जाएगा 225500, और बाकी सारी क्वांटिटी नीचे आ जाएंगी, 2 नीचे आ जाएगा और माइनस का 5000 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है s, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पर इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ओके। नाउ 5 से, या मैं कहूँ 5 से इसको कैंसिल करा दो, 5 से अगर कैंसिल कराते हो तो ये कितना बन रहा होगा, 45 है ना, और यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है, या मैं कहूँ 4.5 टाइम नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, 45, और ठीक है अगर यहाँ पर 50 से कराते हो तो 4.5 टाइम आ जाएगा, ओके। अब 2 से 4.5 को डिवाइड करा दो, तो ये आंसर कितना बनेगा हमारा, 2 point something बन जाएगा, 2.25 बन जाएगा, ठीक है ना, 2.25 इतना मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगी 2.25 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा गिवन क्वांटिटी हो गई, ये हमारी वो क्वांटिटी जो हमें निकालनी है। तो हमने सोचा s निकालने के लिए इक्वेशन लगाएं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या हम ये वाली इक्वेशन लगाते s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इन दोनों ही केस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती, एक्सेलरेशन की। तो पहले हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि v पता है, u पता है, t पता है, तो a आ गया। अब a पता है तो फिर एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्टेंस जो है वो इससे भी निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब फिर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो आप यहाँ पर लगा दो और आपका आंसर बन जाएगा। तो फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 10 ग्राम है, इसे केजी में कन्वर्ट कर लो, तो इसे 1000 से डिवाइड करा दो, तो ये बन जाएगा 0.01 केजी। तो मास हमारा 0.01 हो गया,
और एक्सेलरेशन हमने वहाँ कैलकुलेट किया था कितना, माइनस का 5000। ठीक है, ये इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाकर दो जीरो बना लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो कितना, माइनस का 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन। और माइनस का जो साइन दिखा रहा होगा वो माइनस का साइन किस चीज़ को दिखाएगा, ये माइनस का साइन ये दिखाएगा कि जब बुलेट उस ब्लॉक के अंदर जा रहा है तो कितना फोर्स वो एग्जर्ट कर रहा है, वुडन ब्लॉक उस पर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा तो वो कितना आएगा, माइनस का 50 न्यूटन। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो, उसने क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड क्यों केवल पूछा हुआ है इसलिए सिर्फ आप अपना आंसर क्या दोगे, 50 न्यूटन, माइनस वहां से हटा दोगे क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है ना कि डायरेक्शन। माइनस का साइन सिर्फ किसको दिखाता है, डायरेक्शन को, इसलिए आप वहां पर 50 न्यूटन लिखोगे। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है वो है मास, कितना 100 kg। इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 m/s टू 8 m/s। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 5 m/s, फाइनल वेलोसिटी है उसकी 8 m/s। ओके, नाउ इन 6 सेकेंड, टाइम हमें गिवन है कितना, 6 सेकेंड। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तीन क्वांटिटी बच्चों हमें निकाल कर देनी है। पहली जो क्वांटिटी हमें निकाल कर देनी है वो है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल। अब आप जानते हो कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब जब आप इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हो तो वेलोसिटी भी कौन सी लगाओगे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एम यू। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, मास कितना 100 kg इंटू इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं इसलिए इनिशियल वेलोसिटी रखी जाएगी 5। तो ये हमारे पास आ गया 500 और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, kg m/s। ठीक है, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम आ गया। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी। अगर फाइनल मोमेंटम पूछा है तो फाइनल वेलोसिटी लगाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मास तो वही 100 और वेलोसिटी कितनी, 8, तो कितना आ जाएगा, 800 kg m/s। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। अच्छा, दो चीज़ें हो चुकी, अब तीसरी चीज़ उसने पूछी है फोर्स, हमें क्या निकालना है, फोर्स। अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, है ना। तो हमारे पास मास है, हाँ है, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आप चाहो तो एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना, और फिर फोर्स निकाल सकते हो। तो मास की वैल्यू तो हम रख देंगे, देखो इसको इस तरह से करो कि मास तो ऐसे ही ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन में क्या, टी, ऐसे ये लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी। अब मास की वैल्यू कितनी, 100, वी की वैल्यू कितनी है, 8, माइनस यू की वैल्यू 5 और अपॉन में टाइम की वैल्यू कितनी, 6। ये वाली बात आई समझ में, फिर से फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास ऐसे ही ठीक है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वी माइनस यू अपॉन टी के, तो मास की वैल्यू पुट कर दी, वी और यू की और टाइम की वैल्यू पुट कर दी, इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो। तो 100 इंटू 8 माइनस 5 कितना, 3 और अपॉन 6, 3 × 2 = 6 और 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना, 50, ये आपका आंसर बन जाएगा, इतना क्या, न्यूटन। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। फिर से
ये मास गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। अब वो पूछ रहा है इनिशियल मोमेंटम बताओ, ठीक है बता देंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी रखनी है। फिर फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो, एक्सेलरेशन चाहो तो पहले अलग से कैलकुलेट कर लो कहीं पे और फिर वैल्यू पुट कर दो, या एक्सेलरेशन की जगह यहाँ वी माइनस यू अपॉन टी लिखो और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 18, फोर्स के फोर एफ इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स के फॉर्मूले पर और इक्वेशन ऑफ मोशंस पर जो भी क्वेश्चन है उनको एक साथ किया जा रहा है। तो 16 के बाद अब 18 नंबर पर न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर रहे हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। डम्बेल का मास हमें गिवन है, कितने का मास है, 10 kg, ठीक है 10 kg उसका मास है, और कितनी हाइट से उसको गिराया जा रहा है, 80 सेंटीमीटर, कितना 80 सेंटीमीटर हाइट से, ठीक है। और जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो लेकर चलनी है आपको, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलनी है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहा होगा। तो सिचुएशन ये है कि ये फ्लोर है, ये डंबल है, डंबल को अगर फॉल किया जाए तो वो पूछ रहा है कि वो वहाँ पर कितना मोमेंटम डेवलप कर देगा, उस फ्लोर पर कितना मोमेंट एग्जर्ट करेगा, या मैं कहूँ उस वेलोसिटी और मास का क्या इफेक्ट होगा उस जगह पर, तो वो हमें निकालना है। ओके, अब आप जानते हो कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब मास है हमारे पास, क्या नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इसमें हमारे पास देखिए क्या क्या है, 2 इंटू a की वैल्यू है 10, और डिस्टेंस ये 80 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल, तो आंसर 0.8 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखोगे, 0.8 मीटर, 2 ऐसे ही लिखा, एक्सेलरेशन 10 लिखा और डिस्टेंस 0.8 मीटर, अच्छा। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। डंबल पहले कहाँ है, हमारे हाथ में, तो पहले कैसा है वो, रेस्ट में, फिर जब उसको छोड़ूंगा तो उसको पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, वो हम जानना चाहते हैं कितनी होगी, ठीक है। तो क्योंकि डंबल पहले मेरे हाथ में था, रेस्ट पे था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या ले लिया, 0। ओके, ये वी स्क्वायर बना, ये तो 0 ही हो गया, तो वी स्क्वायर बचा इस साइड में, और इधर वाली साइड को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ये कैंसिल, 2 इंटू 8 कितना, 16, तो यहाँ से वी के वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 16, या मैं कहूँ क्या, प्लस माइनस 4, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमने अपनी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी ले ली, प्लस 4, या मैं सिंपली कहूँ 4 मीटर पर सेकेंड अभी के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो हम नीचे डाउनवर्ड जब भी कोई चीज़ जाती है तो हम उसको पॉजिटिव लेकर चलते हैं। अगर हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हमारी वेलोसिटी भी हम कैसी लेकर चलेंगे, पॉजिटिव। ओके, नाउ अब आपके पास वेलोसिटी है तो अब मोमेंटम निकालिए। तो मास कितना है, 10, और वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली कितनी, 4, तो आंसर कितना, 40। यूनिट कितनी, केजी मीटर पर सेकंड, 40 केजी मीटर पर सेकंड, ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान है। फिर से, ये एक डंबल है जिसका मास है 10 केजी, उसको 80 सेंटीमीटर हाइट से अगर गिराया जाए तो बताइए वो कितना मोमेंटम क्रिएट करेगा फ्लोर पर। तो हमने कहा मोमेंटम के लिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हमने ये इक्वेशन लगाकर वेलोसिटी निकाल ली। हमें कैसे पता चलेगा कि यही इक्वेशन लगनी है, तो आंसर है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में टाइम की जरूरत पड़ती है, जबकि टाइम हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है,
तो इसका मतलब सिर्फ थर्ड इक्वेशन ही लगाई जा सकती है। थर्ड इक्वेशन लगाकर आप वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, एम पहले से है आपके पास, तो एम और वी की वैल्यू पुट करोगे, मोमेंटम का आंसर आ जाएगा 40 केजी मीटर पर सेकेंड। एडिशनल एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज जो होती है आपके साथ, उसी में एक एडिशनल एक्सरसाइज और रहती है, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बेस्ड है, जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं फोर्स के और मोमेंटम के। तो उसका न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ। अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, एक हैमर है जिसका मास गिवन है 500 ग्राम, ओके, इसको यहीं पर केजी में चेंज कर दो, तो 1000 से डिवाइड कराओगे तो कितना बचेगा, ये 1/2 kg, ठीक है ऐसे। अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से वो जा रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रहा है, ओके आगे पढ़ते हैं। स्ट्राइक्स अ नेल एंड द नेल स्टॉप द हैमर, ओके स्ट्राइक किया नेल को तो हैमर रुक गया, अब हैमर रुक गया तो हैमर की अब जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, जीरो, फाइनली वो जीरो वेलोसिटी पर आ गया, ठीक है। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, और हमें क्या गिवन है, टाइम 0.01 सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से जीरो होने में उसे इतना टाइम लगा, ठीक है। आगे क्या जानना चाहते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, अब हैमर से नेल पर कितना फोर्स लगा या नेल से हैमर पर कितना फोर्स लगा, वो फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सिचुएशन समझ आ गई आपको, ये नेल है ये हैमर है, अब हैमर जब यहाँ पर जाकर टकराया तो नेल ने हैमर को रोक दिया, तो नेल ने हैमर पर कितना फोर्स लगाया वो हम जानना चाहते हैं। तो वी नो दैट कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, और मास है हमारे पास, एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम एक्सेलरेशन चाहें तो अलग से निकाल लें या यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह लिख लें वी माइनस यू अपॉन टी, वो एक ही बातें हैं, ठीक है। अब मास की वैल्यू बच्चों हमारे पास है कितनी, 1/2, अच्छा v की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 0, माइनस u की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 50, ठीक है, और अपॉन में टाइम की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 0.01, इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, यहां पर कितना बचा, माइनस का 50 और अपॉन में क्या, 0.01, ठीक है, यहां से पॉइंट हटाइए, ऊपर क्या आ जाएगा 100, 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये कितने टाइम, 50 टाइम, और 50 × 50 कराइए तो माइनस ही आगे लिख लेना, और ये 2500, इतना न्यूटन फोर्स लगाया होगा, मैग्नीट्यूड 2500 न्यूटन है, बट ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जिस साइड में मोशन हो रहा था उसके अगेंस्ट फोर्स लगा, तो ये फोर्स हमने किसका निकाला है, नेल ने जितना फोर्स लगा दिया हैमर पर जिससे कि वो स्टॉप हो गया, ये इस तरह से आ रहा था, नेल ने उस पर एक फोर्स लगा दिया वो स्टॉप हो गया, तो वो क्योंकि ये मोशन ऐसा हो रहा था और फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, इसलिए किसका साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन, तो ये नेगेटिव साइन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको दिखाता है। अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा जाएगा तो आंसर दोगे 2500 न्यूटन। लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 km/h, एक मोटर कार है जिसका हमें मास गिवन है कितना, 1200 kg, और वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 90 km/h, ठीक है। आगे इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू 18 km/h इन 4 सेकेंड, अब u से ये बन जाता है v, कितना 18 km/h, इसकी जो वेलोसिटी है 90 से 18 रह जाती है, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में, कितना टाइम है, 4 सेकेंड, ठीक है। और आगे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, ये तीन क्वांटिटी पूछी हुई है, क्या क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, ये सारी क्वांटिटी आपको निकाल कर देनी है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
एक कार है 1200 केजी की जो इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, लेकिन फिर वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आर रह जाती है 4 सेकंड में। तो ये सारी क्वांटिटी आपको निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो इन क्वांटिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो 90 ऐसे ही ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है आपको। तो किलोमीटर में कितने 1000 मीटर, और आर के लिए आप सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो 3600, ये सेकंड में चेंज हो जाएंगे। तो किलोमीटर को लिख दिया इतने मीटर और आर को 3600, यहाँ 20 से 20 कैंसिल, और ये 5 टाइम और ये 18 टाइम। तो इसका मतलब ये है कि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डायरेक्टली करा देना चाहिए, 5/18 से। ठीक है, और ये 5, तो ये कितना आ गया 25, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह से इसको चेंज कर लो, 18 को अब डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में। अब जो जो क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है, जैसे कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। ठीक है, तो वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, यू की वैल्यू कितनी है, 25, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 4, -20/4, 25 में से 5 माइनस और 4 5 जा, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन हो रहा होगा, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, तो v पता है, u पता है, t पता है, बस वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अब आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये चेंज का साइन है जो मैंने आपको छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आप कैसे निकालते हो बताओ, तो आंसर है फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करके। और जो फाइनल मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है mv, और इनिशियल का क्या होता है, mu, है ना, क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, m है हमारे पास, या आप ये कहो कि m दोनों में से कॉमन है, तो क्या बचेगा, v - u, ऐसे ही तो बचेगा, m इन दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन, तो क्या बच गया, v - u। अब m की वैल्यू पुट कर दो कितनी है, 1200, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, माइनस u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25। ठीक है, 25 में से 5 माइनस करोगे, -20, ठीक है, और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दोगे, तो 20 का मल्टीप्लाई कराने पर ये कितना बन जाएगा, 24,000, और कैसा, माइनस का। ठीक है, इतना केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास मोमेंटम में चेंज आ रहा होगा, 24,000 केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये वाली बात। और हर बार नेगेटिव साइन किसको दिखाएगा कि ये डीएसेलरेट हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन किसको दिखा रहा है कि जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, तो अपोजिंग फोर्स को दिखाता है नेगेटिव चीज। ठीक है, यहाँ पर डीएसेलरेशन को दिखा रहा है, यहाँ पर मोमेंटम दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और अब हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला निकालो। फोर्स क्या होता है, m इंटू ए होता है, और m ऐसे ही ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v - u/m, या एक्सेलरेशन तो हमें पता है पहले से ही, तो हम डायरेक्टली पुट करेंगे। ठीक है, m की वैल्यू कितनी, 1200 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, -5, इनका मल्टीप्लाई कराइए तो 12 × 5 = 60, और ये 20 माइनस का 6000 न्यूटन। ये जो माइनस का साइन है ये दिखाता है कि ये फोर्स कैसा है, अपोजिंग फोर्स, कार ऐसे जा रही है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या ब्रेक्स अप्लाई जो कर रहे हैं वो अपोजिंग फोर्स इतना वहाँ पर काम कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6000 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आपको सारी क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन होती हैं,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आप चाहो तो डायरेक्टली ये याद कर लो, एम ब्रैकेट में वी माइनस यू, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला तो आपको याद है ही, एम इंटू ए, एम पता है, ए निकाल लिया था, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। इस तरह से होगा फोर्थ नंबर।